नगर निगम का चुनाव आते ही दो पार्षदों में घमासान मच गया है। पानी की किल्लत झेल रही जनता की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। नगर निगम का चुनाव आते ही वाराणसी में दो पार्षदों में घमासान मच गया है। मिनी ट्यूबवेल मामले में दो पार्षद अपना अपना क्षेत्र बता रहे हैं। ऐसे में पानी की किल्लत झेल रही जनता काफी परेशान है और क्षेत्रीय पार्षद को जनता कोसती नजर आई। मामला कोतवाली क्षेत्र के वार्ड नंबर 88 का है, जहां पर दो पार्षद अपना अपना क्षेत्र होने का दावा कर रहे हैं। वहीं पार्षद तुफैल अंसारी ने क्षेत्रीय नागरिकों के साथ धरना दिया। धरने में नागरिकों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं नागरिकों का कहना है कि पिछले 6 माह से लगभग 2500 परिवार पानी की किल्लत को झेल रहे हैं। कई बार गुहार लगाए जाने के बावजूद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में क्षेत्रीय जनता का रहना दूभर हो गया है। लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। वहीं दो पार्षद इस क्षेत्र को अपना कह रहे हैं, लेकिन जनता की समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है और इन विवादों के बीच क्षेत्र की जनता पिस रही है। अब जी, क्या समस्या है? देखिए, ये समस्या ऐसी है कि ये बरवा तल्ले के 51/63 पर एक मिनी ट्यूबवेल मेरी लगी थी। वो मिनी ट्यूबवेल पिछले 6 महीने से भाई खराब हो गई। तो हमने इस संबंध में सारे नगर आयुक्त से लेके जलकल जीएम से लेके माननीय महापौर मुतला जायसवाल जी से, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से, माननीय प्रमुख सचिव से सारा हमने सारे लोगों को अवगत कराया कि भाई हमारे यहाँ मिनी ट्यूबवेल खराब है। इसके लेके मेरा पूरा मोहम्मद सईद, मेरा पूरा बरवा तल्ले, मेरा पूरा 3 बेटा 51 बेटा से लेकर सारे लोग प्रभावित इस पानी से है। काफ़ी प्रयास करने के बाद एक्चुअली ये देखिए साल चुनावी है और हम लोगों का 13वें वित्त आयोग का, 14वें वित्त आयोग का, 15वें वित्त आयोग का पैसा जो है सेंशन हो चुका है। ये अच्छा 15वें में मुझे 60 लाख रुपया मिला। डॉक्टर हबीबुल्ला रोड भी मेरी बनने जा रही है। ये मिनी ट्यूबवेल हमने देखी है, ये हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, इनको 29/9/2022 को आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हमने पत्र लिखा, उसके बाद में 29/9/2022 को आदरणीय हमने प्रमुख सचिव जी को पत्र लिखा। और देखिए, मैं उत्तर प्रदेश का पहला पार्षद हूँ। आप पत्र लिखे, आज जो है आपके क्षेत्र में धरना प्रदर्शन चल रहा है, इस पर आपका क्या? देखिए, ये फर्जी राजनीति हो रही है। मुझे फर्जी राजनीति में नहीं कर सकता। इसी बरवा तल्ले में मुझे 2017 में मिला था। आप बरवा तल्ले की जनता से पूछ लीजिए, सड़क से लेकर संघर्ष करके मैंने इस इलाके में आज़ादी से 70 साल से यहाँ पानी लगता था। आज आपके अल्लाह का करम है, मेरा वोट लगा हुआ है, आप लोग वोट देख लीजिए। पानी के लिए तरस रहे हैं, इसके लिए क्या? देखिए, पूरा प्रयास हमने किया। दीपक अग्रवाल कमिश्नर से मेरा झगड़ा हो गया, अब उनका ट्रांसफर हो गया, मैंने उनको भी पत्र दिया। ये देखिए, मंडला आयुक्त को हमने दिया है, 15/9/2022 को हमने उनको दिया। उसके बाद में माननीय महापौर जी को हमने 30/9/2022 को दिया। उसके बाद क्या हुआ अल्लू भाई, देखिए पैसा आने का एक समय होता है। 15वें वित्त आयोग का पैसा समाप्त, 14वें का पहले ही खत्म हो गया। मार्च में जैसे ही नया पैसा आएगा, इंशाल्लाह ये मेरी एस्टिमेट बन गई है, ये मेरा पूरा प्रस्ताव है, तुरंत मार्च के बाद अप्रैल में इसी वो जगह चिन्हित हो गई है, या ये जगह चिन्हित हो गई है और हमारा मिनी ट्यूबवेल पैसा आएगा, पहला मेरा सेंशन होगा। इस बात की मैं अपने क्षेत्र की जनता को और आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, पहला मेरा मिनी ट्यूबवेल होगा। लेकिन जो लोग फर्जी राजनीति करते हैं, वो मेरे साथी पार्षद है, मैं खुद, मेरे साथ 5 साल काम किए हैं। अगर वो मुसलमान है, उनसे दिल से पूछिए कि सदन में इस बरवा तल्ले दुल्ली गली के लिए अफजाल अंसारी ने क्या किया है, यहाँ के लिए हमने संघर्ष करके काम कराया है। तो आप क्षेत्र में रहते हैं, आपको क्या समस्या है? समस्या तो ये पानी की है, अगर बच्चा रोता है तो माँ दूध पिला देती है। आज हम लोग 6 महीने से रो रहे हैं, ना हमारे पार्षद जी की सुनवाई हो रही है, जो दूसरे पार्षद हैं उनकी भी सुनवाई नहीं हो रही है। पैसा पास होता है, फर्जी पास होता है, कुआं बनने को पास होता है, कोई काम नहीं। बगल में कुआं है, एक कुआं में काम चल रहा है, इसका पैसा क्यों नहीं पास होता? हम अपने पार्षद जी से पूछेंगे। कितने लोग इस समस्या से हैं परेशान? कम से कम 2500 लोग। तो आप क्या चाहते हैं? बता तो दे रहे हैं कि बच्चा रोता है तो माँ दूध पिलाती, चुप हो जाता है। हम लोग 6 महीना से रो रहे हैं, ना पार्षद सुन रहे हैं, ना अधिकारी सुन रहे हैं। पार्षद आते हैं बीच में, जैसे आपने अभी सुना, हम कह रहे हैं ये 2 कुएं की साफ सफाई का पैसा आ सकता है, तो इसका क्यों नहीं आ सकता? पार्षद कौन है आपके क्षेत्र में? अफजाल अंसारी। यहाँ 2 पार्षद दिखाई दे रहे हैं। तो वार्ड 1 हो गया है, अब जिसको टिकट मिलेगा वो लड़ेगा। तो फैल जी, क्या या किस लिए आप लोग धरना कर रहे हैं, क्या समस्या है?
आपको शायद जानकारी नहीं होगी, यहाँ का मिनी ट्यूबवेल पिछले 6 महीने से ख़राब हो चुका है। हम इसकी शिकायत लेकर अपने विभागीय तमाम अधिकारियों के पास बार बार जा रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत मजबूरी के तहत हमने ये कदम उठाया है, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्र के लोगों को पिछले 6 महीने से पानी का आकार मचा हुआ है और यहाँ पे कोई ताकने झाँकने भी विभाग नहीं आता है। इतने बड़े तमाम अधिकारी हैं, तमाम विभाग के लोगों को हर काम के लिए लगाया और बैठाया गया है, मगर इसमें दुर्भाग्य यहाँ की जनता का और हमारे माननीय संसदीय क्षेत्र जो प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पे दुर्भाग्य है हम लोगों का कि यहाँ पे कोई सूंघ लेने वाला भी नहीं है। तो आगे क्या करेंगे अगर आप लोगों की समस्या से निजात नहीं मिलेगा? अरे आगे का अगर हम अपनी जनता की मांग को लेकर जनता के समर्थन से अगर निदान नहीं हुआ तो हम जनता के साथ रोड पर आकर इनके साथ धरना प्रदर्शन करेंगे।